महाकाल उज्जैन में मंगलवार को महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। इस उपलक्ष्य में आलोट में विराजित भगवान अनादि कल्पेश्वर मंदिर पर 11,000 दीप लगाकर आयोजन को भव्य रूप दिया गया। नगर परिषद के द्वारा यहाँ पर स्क्रीन लगाकर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु की कामना करने के लिए आज एक ध्वजारोहण का भी कार्य किया गया इस मंदिर के प्रांगण में। भव्य आयोजन में नगर परिषद के कर्मचारियों के अलावा नगर की धार्मिक सांस्कृतिक संस्थाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। पूरे मंदिर प्रांगण को जगमग रोशनी से चमका दिया। एसडीएम मनीषा वास्कले के नेतृत्व में 4 दिन पूर्व नगर परिषद में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महाकाल कॉरिडोर के शुभारंभ अवसर पर पधार रहे प्रधानमंत्री के इस आयोजन के अवसर पर समस्त मंदिरों में भी सजावट पूजन पाठ के द्वारा धार्मिक आस्था का केंद्र अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर 11,000 दीप लगाकर इस भव्य आयोजन का साक्षी बनने के उद्देश्य को लेकर नगर परिषद के द्वारा अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर पर 11,000 दीपक आकर्षक सजाए गए और एलईडी लगाकर उज्जैन के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भक्तों को दिखाया गया। इस अवसर पर नगर के सैकड़ों भक्तों ने मंदिर प्रांगण में दीप प्रज्वलित किए। इस अवसर पर नायब तहसीलदार मुकेश सोनी सहित समस्त कर्मचारी व आमजन और जन प्रतिनिधि समिति के सदस्य मौजूद रहे। आलोट से जीतू वराला की रिपोर्ट। आज उज्जैन में श्री महाकालेश्वर में महालोक का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री के कर्मलों से होने जा रहा है। तो शासन के निर्देश अनुसार जो यहाँ पे मुख्य मंदिर है उस पर साज सज्जा की जानी थी। आज हमने प्लान ये बनाया था, श्री अनादि कल्पेश्वर मंदिर में हमने 11,000 दीपक लगाए हैं और यहाँ पे जो लोकल कलाकार है उनके माध्यम से हमने स्वास्तिक ओम और ऐसे प्रतीक चिन्ह बनाए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का लाइव टेलीकास्ट भी यहाँ पे किया जा रहा है, आप देख रहे हो। और हमने नगरवासियों से भी आह्वान किया था कि अपने आसपास के जो भी प्रमुख मंदिर है, पास में जो भी मंदिर है, वहाँ पे एक व्यक्ति 5-5 दिए लगाए। तो काफ़ी संख्या में लोगों ने दिए लगाए, आज भी काफ़ी जनसहयोग माता बहनों का प्राप्त हुआ है और काफ़ी अच्छा सुसज्जित मंदिर नज़र आ रहा है। और इसके लिए नगर परिषद की पूरी टीम और यहाँ के जनप्रतिनिधि और जो समाज सेवी है उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। और अभी श्री अनादि कल्पेश्वर जी की आरती होगी, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा। हाँ, 11,000 दिए हमने लगाए, बाकी हमको और आवश्यकता पड़ी क्योंकि ऊपर के कुछ मंदिरों में हमें कमी पड़ी थी। ये पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे भी हमने ताकि सुसज्जित रूप से दिखे बाहर से अंधेरे में, तो हमने 2,000 दिए और मंगाए। आज जैसा कि सभी को विदित है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उज्जैन में श्री महाकाल लोक का लोकार्पण करने वाले हैं, उसी आयोजन में हमने भी आलोट शहर में एक छोटी सी कोशिश की है और आज हमने पूरे आलोट के सहयोग से और परिषद के सहयोग से यहाँ पर 11,000 दिए अनादि कल्पेश्वर मंदिर में लगाए हैं और मंदिर में साज सज्जा करवाई है।